गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आई जे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। सीसीआर की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें की माइनिंग सरदार के लिए जो पोस्ट निकाली गई है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन एंड यहाँ पे सुपरवाइजर की पोस्ट निकाली गई है, तो काफी अच्छी अपडेट आपके लिए निकाली गई है। सारा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। बात करें यहाँ पे इनके ऑफिशियल नोटिस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीसीएल की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है, कोल इंडिया की तरफ से निकाला गया है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पाएंगे सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। 28/3/2023 के दिन ये नोटिस रिलीज किया गया है। इसमें जो रोजगार सूचना है, आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव ये रहेगा SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, सॉरी OBC कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वालों के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं वैकेंसीज में जो यहाँ पे रहेगा, माइनिंग सरदार के लिए यहाँ पे 77 पोस्ट रहेंगी। एंड यहाँ पे जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन की जो रहेंगी वो 126 पोस्ट रहेंगी। एंड यहाँ पे डिप्टी सर्वेयर के लिए यहाँ पे 20 पोस्ट रहेंगी। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 107 पोस्ट रहेंगी। टोटल यहाँ पे 330 पोस्ट दी गई हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो वैकेंसीज आपकी रहेंगी इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो यहाँ पे इसका माइनिंग सरदार के लिए आप 10th पास होने चाहिए। एंड उसके अलावा यहाँ पे माइनिंग सरदार में आपका वैलिड माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा या तो आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे मेट्रिकुलेशन आपकी होनी चाहिए, ITI आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होनी चाहिए। उसके अलावा आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग होना चाहिए यहाँ पे। एंड डिप्टी सर्वेयर के लिए मैट्रिकुलेट आप होने चाहिए। उसके अलावा जो आपका रहेगा माइनिंग सर्वे सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। एंड उसके अलावा जो आपका रहेगा असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का, इसमें भी मैट्रिकुलेट आप पास होने चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा आपका यहाँ पे जो वो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें जो असिस्टेंट फोरमैन की यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट दी गई है माइनिंग सरदार डिप्टी सर्वेयर के लिए, इसका आपको यहाँ पे जो वेतन दिया जाएगा 31,852 दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए आपका यहाँ पे जो सैलरी रहेगा आपका वो डेली बेसिस पे आपको 1,034 रुपीज यहाँ पे दिए जाएंगे। एंड जो आपका कैटेगरी थर्ड के लिए 1,065 रुपीज दिए जाएंगे। उसके अलावा 1,065 रुपीज जो आपके दिए जाएंगे वो ITI होल्डर्स वालों के लिए दिए जाएंगे। तो ये था सैलरी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आयु सीमा रहेगी मिनिमम 18 रहेगी, मैक्सिमम आपकी जो रखी गई है एज पर रूल आपको दी गई है 35-33 आपकी रहेगी यहाँ पे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 200 रुपीज रहेगी, जो कि आपकी OBC कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। एंड बाकी आपकी अदर कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे रहेगी वो नॉन रिफंडेबल यहाँ पे आपकी जो एग्जेम्प्टेड रहेगी फीस जो अदर कैटेगरीज वाले हैं SC ST कैंडिडेट्स के लिए। एंड ये जो वैकेंसी रखी गई हैं वो आपकी जनरल कैटेगरीज के लिए नहीं है, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका रहेगा CVT एग्जाम रहेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं CVT टेस्ट रहेगा रांची में, ये रांची में ही आपका रहेगा। एंड जमशेदपुर धनबाद एंड आपका हजीराबाग में ये टेस्ट लिया जाएगा CCL की तरफ से। इसमें जो आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वो आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जो यहाँ पे दिए गए हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। MCQ टाइप आपका रहेगा, जिसमें कि आपका जो टेस्ट ये लिए जाना है इसमें आपके 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जो कि आपका यहाँ पे रिलेवेंट डिसिप्लिन से भी आपका रहेगा। एंड यहाँ पे जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें बाकी का जो रहेगा आपका CVT टेस्ट, इसमें आपके जो 30% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं वो आपकी SC ST के लिए 36 आपके रहेंगे, आपके OBC कैंडिडेट्स के लिए पास आउट मार्क्स जो आपके रखे गए हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो आपकी यहाँ पे जो CVT के बेसिस पे ही बनाई जाएगी। एंड बाकी का अदर का जो अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन मोड से रहेगा। इसमें आप 30 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक जो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पिछले कल से आपकी जो ये रिक्रूटमेंट है चालू हो गई है, आप यहाँ पे 19 अप्रैल तक जो वो अप्लाई कर पाएंगे इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का आपको पूरा प्रोसेस दिया गया है,
स्कैन फोटोकॉपीज आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज, बाकी अदर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे रिक्वायर होंगे, परफॉर्मा का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे काफी बड़ी अपडेट है ये, आप देख सकते हैं इसमें जो आपके अप्लाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आपका यहाँ पे जो वो यहाँ पे आपके साइन होने चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके रहेंगे उसके ऊपर। इसमें बाकी का एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो आपके एनेक्सर दिए गए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी जनरल जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगी इसमें जो कैंडिडेट्स रहेंगे अप्लाई करने के लिए सिंगल पोस्ट के लिए ही यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी अदर अगर आपको कुछ भी यहाँ पे पूछना हो, कुछ पता ना लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो जो मेन चीजें थी वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी हैं, कुछ पेंडिंग बचा हो आप कमेंट कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पे शेड्यूल रहेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 30 से लेके 19 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। सीबीटी आपका 5 यहाँ पे मई को रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 मई को आपका जो वो रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है, इन्हीं डेट के ऊपर जो आपका यहाँ पे पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस आपको बताया है कब से कब तक रिक्रूटमेंट चलेगा। जो सिलेबस रहेगा माइनिंग हिस्सेदार के लिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड बाकी का सारा सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस आपका जो रहेगा रजिस्ट्रेशन 53 CMR 2070 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्वियर में रहेगा, ये आप चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या आपकी यहाँ पे ड्यूटीज रहेंगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इनके ऑफिशियल नोटिस में, जो मेन मेन चीजें थी वो आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।